पंच So we were doing the reaction of alkynes with water. So yesterday we discussed about ethyne. Yahi structure hai ethyne ka. In the presence of water, the reaction will proceed. Kya hoga? Ek taraf H laga dena hai aur ek taraf OH group laga dena. And here we will be having a double bond. So after that, what we will get? बताया था मैंने ये जो हाइड्रोजन है इट विल शिफ्ट टू हेयर ओके और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो जाएगा डबल में ठीक है सो यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस ओके तो आप एल्कोहल से किसमें चेंज हो गए हो एल्डिहाइड में CH3CHO. Do the same for propane. हाँ जी बेटा. Do the same for propane. एक H की जगह हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया तो वो प्रोपाइन बन गया ठीक है प्रोपाइन में हमने वाटर ऐड करना है जस्ट सी दीज बोथ कार्बन ठीक है वो CH3 को हमने नहीं देखना क्योंकि हमने जो एडिशन करनी है वो ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड करवानी है ओके हाँ जी किस तरफ OH लगाऊं किस तरफ H लगाऊं ये कौन सी फॉर्म थी इनोल फॉर्म थी ठीक है उसके बाद जो फॉर्म बनती है डेट इज कीटो फॉर्म ठीक है CH3CHO वाली जो फॉर्म है डेट इज कीटो फॉर्म सो दिस इज कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हाँ जी बेटा इसका बताओ H कहाँ लगाऊं और OH कहाँ लगाऊं CH के साथ H लगाऊं और यहाँ पे इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ठीक है हाँ जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ बेटा ये वाला एच हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना ऐसे करना ना ये वाला एच हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर देना ये CH3 बन जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ठीक है सो यू विल बी गेटिंग अ कीटोन दिस टाइम नाउ ठीक है यू विल बी गेटिंग अ कीटोन दिस टाइम प्रोपेनोन क्लियर हो गया ये इनोल फॉर्म है ये कीटो फॉर्म है राइट डाउन नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन्स नेक्स्ट आर रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन्स हाँ जी रिडक्शन मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन बेटा रिड्यूस का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ क्योंकि हम एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं ठीक है तो वी विल बी एडिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके नाउ दीज रिएक्शंस यू हैव ऑलरेडी डन in the alkanes in the alkenes and now it is in the alkynes also theek hai ji kiske sath reduction karu tharo pe likhna platinum and palladium in the presence of yahan pe kya likhu upar ये तो कैटलिस्ट है
ये तो कैटलिस्ट है, इन्होंने तो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करना है, तो हाइड्रोजन ऐड नहीं करने, एच टू करो रिएक्शन, स्टार्ट डूइंग द रिएक्शन। और ये दो स्टेप्स तक जाएगी क्योंकि एल्काइन्स से पहले एल्कीन्स बनेगा, फिर एल्कीन्स से एल्केन्स बनेंगे, दो स्टेप तक जाएगी ये रिएक्शन। हाँ जी डन, पहले यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग टू हाइड्रोजन्स। अगेन व्हेन यू प्रोसीड दिस रिएक्शन सेम कंडीशंस में, सो यू विल बी गेटिंग थ्री हाइड्रोजन्स हियर एंड थ्री हाइड्रोजन्स, सो इथाइन से इथीन बना, इथीन से इथेन बन गया। ठीक है, इसमें हमने कंट्रोल नहीं की है रिएक्शन अपनी, रिडक्शन जो थी वो सारी की सारी हो गई। ठीक है, एल्काइन्स से एल्कीन्स बन गए, एल्कीन से एल्केन्स बन गए हैं, वी हैव नॉट कंट्रोल्ड द रिडक्शन मेथड, बट इफ वी वांट टू कंट्रोल द रिएक्शन देन व्हाट विल वी डू, इफ यू वांट टू कंट्रोल दिस रिएक्शन देन व्हाट रिएजेंट्स और हाउ यू विल बी प्रोसीडिंग दिस रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स। इतनी जल्दी भूल गए, कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन्स, हाँ जी अरमन रमन सॉरी, दो रिएक्शंस की थी हमने, नेम वाली थी वो, आया याद कुछ? हाँ सिस ट्रांस वाली, क्या नाम था उनका? लिंडलार कैटलिस्ट एंड बिर्च रिडक्शन। अच्छा अब नेम्स तक की इतना टाइम ले लिया तो आई डोंट थिंक कि आपको रिएक्शंस याद भी होंगी, याद है? टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? ठीक है पढ़ लो, एल्केन्स एंड एल्कीन्स मैंने डाल दिया हुआ है, कब का ग्रुप में डाला हुआ है। बोलो लिंडलार कैटलिस्ट क्या था? देख के बोल दो, अब सोडियम विद लिक्विड अमोनिया बिर्च का लिंडलार कैटलिस्ट बोलो। बेरियम सल्फेट विद पैलेडियम एंड सल्फर, और किसके साथ थी? क्यूनोलिन के साथ पॉइजनिंग। ठीक है हाँ जी, प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसमें सिस और ट्रांस? लिंडलार कैटलिस्ट में सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है अच्छा, यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसे देख लो। लगाना लगा लो, सी एच थ्री ग्रुप दोनों तरफ लगा लो। ठीक है, वैसे मैंने दोनों हाइड्रोजन से एक तरफ लगा दिया ना, तो वो भी सिस प्रोडक्ट ही है। हाँ जी क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट बोलो, बिर्च रिडक्शन। अभी ये भूलनी नहीं चाहिए, हाँ जी बेटा बिर्च रिडक्शन बोलो। In the presence of sodium,
एंड लिक्विड अमोनिया. व्हाट यू विल बी गेटिंग, इसका नेम क्या है बेटा? सिस ब्यूट टू इन. ठीक है जी, चलिए अब ट्रांस प्रोडक्ट बना लेते हैं. So this is trans butyl. ठीक है, so these are the two methods by which we can proceed the reduction reactions. First में हम control नहीं कर रहे हैं और second में हम control reductions कर रहे हैं. Now next write down the last topic, acidic nature of alkynes. ये मैंने आपको बताया था when we started the alkynes. क्या कहते हैं बेटा इनको? बताया था मैंने आपको व्हेन दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड वी गेट दिस. दिस इज व्हाट, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम बताया था कुछ, एसिटाइलाइड बताया था. सो दिस इज एसिटाइलाइड आयन और इसको आप एल्केनाइड्स भी कह देते हो. ओके, now we will be explaining this ion in detail. So firstly there is acidic nature of alkynes ka matlab kya hai ki there is an easy removal of hydrogen in case of alkynes to give this acetylide ion that is actually a stable ion. theek hai, aur ye kis mein banta hai? sirf terminal alkenes mein form hota hai, that is only formed in the terminal alkenes. नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में या एल्काइन्स में ये नहीं फॉर्म होगा, टर्मिनल एल्काइन्स में ये फॉर्म होगा. ओके, नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन और यू कैन से द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन्स, एल्काइन्स और एल्केन्स को अगर हम कंपेयर करें तो एल्काइन्स जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है. वाई? जो एल्काइन्स हैं वो जल्दी हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्या चीज हो सकती है ऐसी एल्काइन्स में? ये एल्केन्स हैं, ये एल्कीन्स हैं और ये एल्काइन्स. बॉन्ड लेंथ, ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और अगर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और बॉन्ड लेंथ को देखो दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द एस कैरेक्टर. एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? हाँ, हाइब्रिडाइजेशंस बोलना इनकी, sp3 sp2 एंड 50-50% कैरेक्टर किस में है? ट्रिपल बॉन्ड में. यानी कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ट्रिपल बॉन्ड में जो एस कैरेक्टर है वो 50% है, बाकियों में कम होता जाएगा, बाकियों में कम है. ठीक है, नाउ दिस एस कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ही ज्यादा क्या होगी,
हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हो आप। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अब जो आप हाइब्रिडाइजेशंस बताते हो, आप कार्बन वालों की बताते हो। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, सी एल्काइन्स की बात करें तो क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वैसे तो दोनों सिमिलर हैं अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट एक तरफ अगर मैं एल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ तो ये वाला जो है आपका अब टर्मिनल, ये एल्काइल आयन बन जाता है। ठीक है, दिस इज योर एसिटाइल आयन नाउ, क्योंकि हम ये अब टर्मिनल, इस टर्मिनल ग्रुप की बात करेंगे होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर H लगाओगे तो वो भी जो है वो आपका टर्मिनल एल्काइन ही है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म एसिटाइल आयन। ठीक है, अब जब इसके साथ sp करेक्टर ज्यादा हो जाता है, देन दैट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इट इंक्रीजेस। यही है कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि दैट इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यही करेगा वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो उसके और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपनी तरफ उनको खींच लेगा, ऐसे करेगा। तो व्हेन दिस विल हैपन, तो हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं रहा, तो हाइड्रोजन जो है वो इजिली रिमूव हो सकता है। इसीलिए ये जो कैरेक्टर है वो एल्केन्स में और एल्कीन्स में कम होता है, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर कम हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी जो है वो कम हो जाता है। इज दैट क्लियर? एल्काइन्स में ये सबसे मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि एल्काइन्स में जो एस कैरेक्टर है वो मैक्सिमम है, 50% है, बाकियों में कम होता जाता है क्योंकि पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। वहां पे P3 है, वहां पे P2 है। ओके, पी कैरेक्टर ज्यादा बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर कम हो रहा है उस कंपैरेटिव। तो एस कैरेक्टर जितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू शेयर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन जो है वो इजिली रिमूव हो सकता है। दिस एक्सप्लेन्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ राइट डाउन सम ऑफ द रिएक्शंस। Reactions of alkynes based on acidic character. Reaction of alkynes based on acidic character. Reaction with sodamide. Reaction with sodamide. What is sodamide? करवाया आपको last time जब मैंने acetyl iodine करवाया था। Alkynes की starting में हमने एक sodamide के साथ reaction की थी। Now, as I told you that these both terminals they can act as acetyl iodine. ये acetyl iodine बनेगा, ये भी acetyl iodine. तो डाई acetyl iodine बन जाएंगे हमारे पास, दो acetyl iodine आ जाएंगे। हाँ जी, आ जाएंगे कि नहीं? ठीक है, अब उन दोनों पे ये जो Na है दैट विल अटैक, सो व्हाट यू विल गेट? अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज डाई सोडियम एसिटाइलाइड। यू कैन राइट डाउन डाई सोडियम एसिटाइलाइड, और साथ में क्या निकलेगा बेटा? NH3। टू टाइम्स NH3, डाइसोडियम एसिटाइलाइड। नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। ये इन टर्म्स ऑफ अगर आप आयन देख रहे हो तो आयनिक ही है फिर, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा ना। बेटा कुछ नहीं किया यहां से, ये दोनों हाइड्रोजन आपके रिमूव हो सकते हैं ना। वी हैव रिमूव्ड दीज बोथ हाइड्रोजन, और उनकी जगह ये दो सोडियम जो है वो अटैच कर दिए। ठीक है, दोनों तरफ जा सकता था, दो आयंस फॉर्मेशन हुई है, तो डाइसोडियम बोला इसको, डाइसोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है, और साथ में ये NH2 रह गया,
ये हाइड्रोजन लेके ये NH3 बना देगा, ठीक है। आगे लिखिए बेटा, रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन, रिएक्शन विद अमोनिकल, ऐसे लिख लो तो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। रिएक्शन विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब सेम काम करना है हमने फिर से। दिस इज सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन, ठीक है जी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ये, जिसको आप टॉलरेंस रिएजेंट भी कहते हो। ये आप आगे यूज करोगे इन योर प्लस टू इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बट अभी हम एल्काइन्स के लिए यूज कर रहे हैं। अब इस टेस्ट की या ये जो रिएक्शन है, इट इज हैविंग वन इम्पॉर्टेंस दैट दीज रिएक्शंस, यहां से दीज रिएक्शंस दे कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एल्काइन्स एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन्स, ठीक है। ये वाली और इसके बाद कॉपर वाली भी हम रिएक्शन करेंगे, दोनों में आपके पास प्रेसिपिटेट्स आएंगे, जैसे इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे सिल्वर के। अगर आप ये रिएक्शन करो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, सेम ऐसे ही आएगा, इसके साथ आपका NH3 और वाटर जो है वो लिबरेट होंगे। आई एम नॉट राइटिंग द बैलेंस इक्वेशन नाउ हियर, दिस डाई सिल्वर एसिटाइलाइड when it is formed it will give you white precipitates, aapke paas white vipitis aayenge iske, that is going to give you white precipitates, and same reaction when you are going to do with some of the non terminal alkynes, koi reaction nahi hogi, aapke paas white precipitates nahi aayenge, kyunki ye reaction feasible hi kiske sath hai, kin alkynes ke sath hai, terminal alkynes ke sath, ठीक है। नॉन टर्मिनल एल्काइन्स जो है वो एसिटाइलाइड आयन तो बनाएंगे नहीं, तो एसिटाइलाइड आयन ही नहीं बना है, तो आगे हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लियर है, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस दे कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एल्काइन्स एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन्स। राइट डाउन द सेम रिएक्शन, यहाँ पर कॉपर रिप्लेस कर लो सिल्वर की जगह और उसका नाम लिख लो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। रिएक्शन अगर आपने बैलेंस्ड लिखनी है तो यू कैन राइट अप, ठीक है जी। यहां पर भी अगर आपने नेगेटिव क्योंकि वो पॉजिटिव और बना अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, हाँ बाकी सारी चीज सेम है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स है जो किससे बना है, क्यूप्रस क्लोराइड से बनेगा। क्यूप्रस क्लोराइड को आपने अमोनियकल यानी कि अमोनिया में डाला है, अमोनिया ने क्या करना है, जो सीएल है उसको रिप्लेस करके ओएच लगा देना, समझ रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग टू डू द रिएक्शन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनिया, ठीक है, तो फिर आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म होगा। अमोनिया एज इट इज हम नहीं लेते हैं, अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेफर किया है, ओके, तो एज इट इज फिर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, सिंपल चीज नहीं है, ओके। सो दैट विल बी गिविंग यू अमोनियकल कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये अमोनिया के साथ उसकी रिएक्शन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड है। अब सेम रिएक्शन है, यहां पर आपने कॉपर लगा देने हैं दो, एंड दैट विल बी गिविंग यू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स और रेड प्रेसिपिटेट्स। कॉपर के साथ आपके कौन से प्रेसिपिटेट्स आएंगे, रेड प्रेसिपिटेट्स। अगर रेड प्रेसिपिटेट्स आ गए तो दैट मीन्स दैट एल्काइन इज टर्मिनल, अगर नहीं आए हैं तो वो टर्मिनल नहीं होंगे।
ठीक है, नाम क्या होगा इसका? हाँ जी, नाम बेटा जैसे वो डाई सिल्वर एसिटाइलाइट था, डाई सोडियम एसिटाइलाइट था, ये क्या होगा? डाई कॉपर एसिटाइलाइट, ठीक है, दिस विल बी डाई कॉपर एसिटाइलाइट. सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट. एक जनरल यूजेस आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है, एल्केन्स एल्काइन्स और एल्केन्स के, ठीक है, वो जनरल से याद कर लेना, दैट्स इट. बाकी नेमिंग रिएक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई रिएक्शन आपने रिपीट करनी है तो बता दो. एनी रिएक्शन यू वांट टू रिपीट, या कोई रिएक्शन समझ नहीं आई है? देख लो एक बारी, अगर कोई रिएक्शन करनी है तो बता दो. किसी रिएक्शन में कोई डाउट है? नेमिंग रिएक्शंस नहीं छोड़नी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एल्कीन्स में तो बहुत सारी आई हैं आपकी. एल्कीन्स में भी वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद आपने सबैटियस एंड्रेंस रिएक्शन की है, कॉल्स रिएक्शन आपने सब में की है, सब में की है ना कॉल्स रिएक्शन, बस आपके रिएक्टेंट्स चेंज हैं हर एक में. जैसे एल्काइन्स में मैलिक एसिड था, उससे पहले पोटाशियम के सक्सीनेट से, सक्सीनिक एसिड के साथ. ये तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है ना, मतलब आपने, हाँ, HBr साथ में लिखना. अगर आपने KOH के साथ किया तो KBr और वाटर निकलेगा. हाँ, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं, बट वो आपको मेजर एंड माइनर बता रहे हैं बस. और मैम, जैसे अगर आप दोनों बता दो, हाँ दोनों बताओगे तो डेट विल बी अंडरस्टूड कि आपको दोनों चीजों का पता है. नहीं, वो बोलेंगे व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ऐसे नहीं है, ठीक है. अगर मेजर और माइनर, जैसे मार्कोनिकोफ रूल है, सेट्जियफ रूल है, उसमें आपके मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, तो आपने वो दोनों प्रोडक्ट दिखाने हैं पहले, कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू रूल हम जो प्रेफर करेंगे वो कौन सा प्रेफर करेंगे, ठीक है. पहले आपने दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है, देन अकॉर्डिंग टू रूल आपने बताने हैं. और ये रूल्स जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ, ठीक है, जिसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हो, सेट्जियफ रूल पढ़ के आए हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का. ओके, दे ऑल शुड बी ऑन योर टिप्स. टेम्परेचर का थोड़ा सा रहने देना, बट रिएजेंट्स जो उन्होंने कैटलिस्ट जो यूज किए हैं वो जरूर. कौन सी है सेम रिएक्शन? मतलब नहीं, ये तो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड की है ना उन्होंने. हाँ, तो आप कुछ भी ले लो फिर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कर दो. स्पेसिफिक उसमें देख लेना जहां पर प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं. जैसे इसमें दोनों में एल्कीन्स बन रही हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. हाँ, जहां पर प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको कुछ रिएक्शंस करवाई थी ऑक्सीडेशन, जहां पर प्रोडक्ट चेंज था, है ना, वो स्पेसिफिक कंडीशंस में चली जाती है फिर. कि मैकेनिज्म आपने मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल दोनों के करने हैं, ठीक है, सेट्जियफ रूल का भी मैंने आपको बताया हुआ है मैकेनिज्म, वो भी करना है. आपको जितना करवाया है ना इसका उतना ही करना है, और जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म भी करना है, ठीक है. मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ तक करना ही करना है. इससे पहले नहीं मैंने आपको कोई मैकेनिज्म करवाया था ना?
मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ के ही है मैकेनिज्म्स आपके, इससे पहले कोई मैकेनिज्म नहीं करवाया मैंने। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स याद रखने हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम्स कैसे बनते हैं, सिस कब बनता है, ट्रांस कब बनता है, मेन कंडीशंस क्या है, डबल बॉन्ड होने चाहिए, जो साइड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, दीज कंडीशंस यू शुड बी नोइंग। हाँ जी, और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट है तो पूछ लो। कॉन्फर्मेशंस, कॉन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हमने स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशंस की थी, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस की थी, सॉहर्स प्रोजेक्शन की थी, तो आपको पेपर में वैसे ही वो पूछ सकते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शंस कैसी हैं इसकी, ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे बताओगे आप इथेन की, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नेमिंग रिएक्शंस है आपकी, सबेटियस एंट्रेंस करवाई है मैंने, वर्ड्स करवाई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैंने एक आपको कॉल्स रिएक्शन करवाई है लेबोरेटरी प्रेपरेशन में, ठीक है, हाँ कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो तीनों में ही हमने की हुई है, ठीक है।